क्या हुआ जब दिवाली के दिन अयोध्या में हुआ बड़ा चमत्कार, जिसे देख आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अयोध्या भगवान राम का निवास स्थान है और आज भी अयोध्या में भगवान राम अपने भक्तों की रक्षा करते आ रहे हैं। अयोध्या में रहने वाले लोगों का कहना है, आज भी भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने सच्चे भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक चमत्कार हुआ अयोध्या में रहने वाले 65 साल के बुजुर्ग के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जगदीश नाम का एक 65 साल का बुढ़ा आदमी अपने पत्नी माधुरी के साथ अयोध्या में रहता था। उसके दो बेटे और एक बेटी थी। जगदीश के बेटे बेटी की शादी के बाद सब अपने अपने में व्यस्त हो गए। एक समय ऐसा आ गया कि उनके बेटों ने जगदीश और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों भगवान के अनन्य भक्त थे और उनके आदर्शों पर चलने वाले थे, इसलिए उनके बेटों को ये बात रास नहीं आती थी और इसीलिए उन्होंने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। जगदीश अयोध्या में ही राम मंदिर के पास ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो राम मंदिर में जाकर वहाँ की साफ सफाई कर देता तो मंदिर के लोग और मंदिर में आने जाने वाले लोग उसकी कुछ मदद कर दिया करते थे, जिससे उसको और उसकी पत्नी माधुरी को दो वक्त की रोटी मिल जाती थी। दोनों का जीवन जैसे तैसे भगवान राम की आराधना करते हुए बीत रहा था। दिवाली का त्योहार भी पास आ गया था। अयोध्या में हर साल दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए इस बार भी अयोध्या में दिवाली की सजावट होने लगी। जगदीश हमेशा की तरह मंदिर जाता, वहाँ साफ सफाई करता और जो भी मिलता उसे लेकर झोपड़ी में आ जाता। दिवाली का दिन था। उस दिन अयोध्या में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। भीड़ ज्यादा होने की वजह से वह उस दिन मंदिर नहीं गया। अपनी झोपड़ी में ही उसने 3 छोटे छोटे पत्थर रखे और उन्हें ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण मानकर वहीं उनकी पूजा आराधना करने लगा। दिवाली का दिन था तो जगदीश ने उनके सामने दीपक भी जलाया। आज जगदीश मंदिर नहीं गया तो उनको खाने में भी कुछ नहीं मिला। जगदीश और उनकी पत्नी दोनों भूखे थे। लेकिन कुछ न होने के कारण पानी पीकर ही भगवान राम की आराधना करने लगे। रात का समय हो गया था। हर तरफ प्रकाश और पटाखों का शोर सुनाई दे रहा था। भी अचानक से किसी ने पटाखे फोड़ते हुए एक पटाखा उसकी झोपड़ी पर फेंक दिया। देखते ही देखते उसकी झोपड़ी जलने लगी। जगदीश और उसकी पत्नी झोपड़ी से निकल कर भागे और भगवान राम से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, जो कुछ भी है यही है मेरे पास, हमारी रक्षा करिए। कुछ ही क्षण बाद वहाँ एक आदमी जो कि भगवा वस्त्र पहने हुए था, वह झोपड़ी के पास आता है और आग को बुझाने लगता है। देखते ही देखते सारी आग बुझ जाती है। वो आदमी जगदीश से बोलता है कि झोपड़ी के पीछे आओ, कोई इंतजार कर रहा है। वो दोनों झोपड़ी के पीछे जाते हैं तो वहाँ पर भगवा वस्त्र में एक आदमी और एक औरत खड़ी होते हैं। वो आदमी बोलता है कि जगदीश आज मंदिर नहीं आए। तो जगदीश ने जवाब दिया कि आज भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए नहीं जा पाया। तब भी उन आदमी ने जगदीश को कुछ फल और मिठाइयाँ खाने को दी। जगदीश और उनकी पत्नी इतने भूखे थे कि ये सब देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी जगदीश और माधुरी फल और मिठाइयाँ खाने लगे। उन आदमी ने जगदीश से बोला कि कल मंदिर आ जाना, और ये बोलकर अचानक कहाँ गायब हो गए कुछ पता ही नहीं चला। जगदीश और उनकी बीवी ये देखते रह गए कि आखिर वो थे कौन। तब उनको समझ आया कि भगवान राम ने ही लक्ष्मण को झोपड़ी की आग बुझाने के लिए भेजा था और जिन्होंने उनको भोजन दिया वो स्वयं भगवान राम और सीता थे। वे दोनों उस 3 पत्थर के सामने बैठकर खुशी से रोने लगे और भगवान राम को यहाँ आकर दर्शन देने के लिए धन्यवाद किया। दोस्तों, भगवान भी अपने सच्चे भक्तों से बन जाते हैं। जैसे जगदीश एक दिन मंदिर नहीं गया तो भगवान खुद उनके घर आ गए उन्हें दर्शन देने के लिए। इस सच्ची घटना के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।